जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला। भाई मोहित कुमार, देखिए सीबीएसई क्लास टेंथ जो है, सीबीएसई क्लास टेंथ के स्टूडेंट की बात करूंगा 2022 से 2023 के लिए। यहाँ पे 2023 है, ठीक है। ये क्लास टेंथ मैथ्स का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। काफ़ी, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप यकीनन मैथ्स में 90+ ही लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी कैसे आपको किस चैप्टर को पढ़ना है सही से, किस चैप्टर के क्वेश्चंस कौन से, किस चैप्टर से कौन से शार्ट पढ़ने हैं, कौन से लॉन्ग पढ़ने हैं, ठीक है, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं। क्योंकि सीबीएसई ने इस बार जो है वेटेज ही, ठीक, चैप्टर का वेटेज ही बदल दिया है। वेटेज का मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क का पूछा जाएगा, आपको अगर ये पता चल जाए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सीबीएसई की तरफ लेटेस्ट अपडेट है, आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग अपडेट है सीबीएसई की, ठीक है। तो आप एक बार मैथ्स का ब्लूप्रिंट जरूर समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। वहां पे जाकर के हमें फॉलो करना होगा और मैसेज करना होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहले देखिए, हम ब्लू प्रिंट में देखिए, पहले तो आपको पेपर का पैटर्न होना पता होगा। आपका जो पेपर है क्लास टेंथ का मैथ्स का जो है 2022 से 2023 के लिए, 2023 के लिए जो है आपका पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया, 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन कितने सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है, तो 5 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है, ठीक है। 5 सेक्शन में सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इसमें असर्शन रीजन बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे 2 मार्क्स लिखा भी है, आप देख रहे होंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स यहाँ पे लिखा। और सेक्शन सी आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ये जो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन डी आपका लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 5 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन ई आपका केस्ट बेस्ड स्टडी रहेगा, जो आपके 4-4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये तो आपका पता चल गया कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर जो स्टूडेंट मैथ्स में अगर 50 मार्क्स ला रहे हैं तो आप 90 मार्क्स पहुंच जाओगे, 90 मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से क्या आएगा, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने क्लास टेंथ का टारगेट कर रखा है, ठीक है, कि आपके 95 प्लस मार्क्स सभी स्टूडेंट, चाहे आप बिलो हो चाहे एवरेज हो, बाकी 100 out of 100 टारगेट है कि आपके मैथ्स में आए क्लास टेंथ में। इसके अकॉर्डिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पढ़ाऊंगा, वो भी 10 से 20 सेकंड में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, चैनल से बने जरूर रहिए। अब देखिए, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर से देखिए, रियल नंबर से अब एक बात और देखें, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रियल नंबर से। तो रियल पेपर में भी आपको सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। और एक क्वेश्चन जो है रियल नंबर का 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, वो एक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी आपको √3 √2 प्रूव दैट कि इरेशनल है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो रियल नंबर से आपका 5 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना आपको केस बेस्ड स्टडी से मिलेगा, ठीक है। तो रियल नंबर की जब भी प्रैक्टिस करें तो ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना। अच्छा, जब ये पता चल जाता है मुझे किस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन तैयार करना है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि केस बेस्ड आएंगे नहीं तो इस चैप्टर के मुझे केस स्टडी नहीं पढ़ना है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करना। 3 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो एक आइडिया लग जाता है। तो जो बच्चा जो है थोड़ा सा होशियार स्मार्ट बच्चा होता है, तो उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी, इसी तरह हर चैप्टर में आप समझिए, हर चैप्टर का इसकी पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पे आईडी पे मिल जाएगी, ठीक, वहाँ पे आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी mohitkumar0860, ठीक, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं पॉइनोमियल, एक पॉइनोमियल सबसे सेकंड चैप्टर है इस पॉइनोमियल सबसे, तो इसमें पॉइनोमियल से कितने क्वेश्चन पूछे, ना तो पॉइनोमियल में आपका 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना आपका केस बेस्ड स्टडी पूछा जाएगा, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी। आपका एक क्वेश्चन पॉइनोमियल में 3 मार्क्स में आएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में, बस पॉलिनोमियल से आपको, तो 3-4 नंबर का पॉलिनोमियल आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपको पेपर का मतलब कितना वेटेज, किस चैप्टर से कितना वेटेज आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लू प्रिंट जो मैथ्स का अगर आप समझ लेंगे तो पूरा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं,
तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करें तो देखिए इस चैप्टर से जो है थर्ड चैप्टर है आपका, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट, बट इसका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है बट केस बेस्ड स्ट्रीम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो जो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको बताया है कहाँ से मिलेगी, इंस्टाग्राम आईडी पे हमारी जाना है, ठीक है। और आईडी बता रहा हूँ, मोहित कुमार 08360, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए जो टॉपिक बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना, एक है पहले क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से देखिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक नंबर में, दो नंबर में क्वाड्रेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आपको 3 मार्क्स में मिलेगा। बट यहाँ पे हमने स्टार लगा रखा, स्टार का मतलब क्या होगा, स्टार का मतलब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन जो 3 नंबर में दो क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक के 3 नंबर में दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होंगे, मगर उन दोनों में इंटरनल च्वाइस होगी, या तो ऊपर वाला आपको करना होगा या नीचे वाला करना होगा। मतलब क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन आपको, ये भी बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलेगी, किस चैप्टर में इंटरनल चॉइस मिलेगी, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये जो है, ये जब 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें इंटरनल चॉइस होगी, एक दो क्वेश्चन लगे होंगे क्वाड्रेटिक के, दोनों में से किसी एक को करना। इसी तरह जब 5 नंबर में क्वाड्रेटिक से पूछा जाएगा तो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। इसमें भी इंटरनल, क्वाड्रेटिक का पहला क्वेश्चन फिर आर करके दूसरा, तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना होगा। तो जहां पे स्टार लगा रखा होगा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक का वेटस आप देखें तो 5, 3, 8 और 9 मार्क्स की आपकी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का वेटस 80 में से अगर 9 मार्क्स के चैप्टर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक पर ज्यादा आपको फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखें। और प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको घबराना नहीं, मैथ्स में हमारी गारंटी है कि आपके 100 out of 100 आएंगे। जो मटेरियल हम देते जाएं उसकी आपको प्रैक्टिस करते जाना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। एपी से इस बार कह दिया है कि एक क्वेश्चन आएगा, वो भी केस्ट बेस्ड स्टडी में आएगा, तो एपी पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 4 नंबर में केस्ट स्टडी क्वेश्चन आएगा। तो ये भी बता दिया सीबीएसई ने इस बार जो है केस्ट बेस्ड स्टडी कहाँ से पूछे जाएंगे, तो उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, केस्ट स्टडी करना जहाँ से केस्ट स्टडी पूछा जाएगा। और केस्ट बेस्ड स्टडी आपको हम 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अपने चैनल पर। ट्रायंगल की बात करें तो एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल एक मैंने बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे ट्रायंगल के, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है। और बीपीटी तैयार रखें, बीपीटी ही आपकी 5 नंबर में पूछी जाएगी ट्रायंगल से। हमने क्या किया, अपने चैनल पे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड के लिए हमने अपलोड कर दिए हैं। जिन भी स्टूडेंट अभी नहीं देखा हो देख लें, क्योंकि जो है वीडियो पे प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे देख सकते हैं, उनका सोल्यूशन भी अपलोड होगा। कैसे आप 10 से 20 सेकंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेक्ट करें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपना समय बचा पाए तो आपका पेपर छूटेगा नहीं। तो चैनल से जुड़ गए, ट्रायंगल में 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में और एक क्वेश्चन 5 नंबर में, मगर इसमें क्या रहेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल चॉइस होगी, क्योंकि स्टार लगा दे रखा है, से आपको पता चलेगा कि इसमें इंटरनल चॉइस है। दो क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो अपने मित्रों दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। और कोई डाउट है, कमेंट है, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका कितने नंबर में, एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी कंफर्म पूछा जाएगा, और ये 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी पेपर में 6 मार्क्स की ही आएगी। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन मैंने बताया 10 से 20 सेकंड में आपको क्रैक करना सिखाएंगे, ठीक है। आपका जो 2, 3, 5 मिनट लेते हो पूरा डिटेल सोल्यूशन करते हो, कोई डिटेल सोल्यूशन की आपको जरूरत नहीं होगी, ओनली ट्रिक से बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैक करना, केस बेस्ड स्टडी भी आपको, ठीक। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आप चले जाए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो एक बहुत अच्छा मेजर चैप्टर है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और सेकंडों में ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व होते हैं, हम सॉल्व करवाएंगे आपको। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, मीन्स इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी, जहाँ पे स्टार लगा रखा है इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरनल 2 दिए होंगे, किसी एक को करना होगा।
और क्वेश्चन एक 3 नंबर में भी होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। ये है तो ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, तो 3 + 2 + 1 मतलब कितने 6 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। इसके बाद चैप्टर आता है आपका अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इस बार कह दिया अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, वो भी केस बेस्ड स्टडी पूछा जाएगा, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी पूछा जाएगा अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और प्रैक्टिस हम करवाएंगे अपने चैनल पे, क्वेश्चन हम कलेक्शन करके देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना होगा। सर्किल, सर्किल से जिसको भी डर स्टूडेंट को डर लगता है कतई मत घबराना है, ठीक है, ठीक है। सर्किल बहुत एक सिंपल चैप्टर है, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, 1-2 मार्क्स में पूछा जाए और 1-3 नंबर में पूछा। पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरनल चॉइस लगी होगी। इंटरनल चॉइस 2 दिए होंगे सर्किल के, 1 को करना होगा। बहुत अच्छी बात है, इंटरनल चॉइस ऐसा सिस्टम सेट किया है सीबीएसई ने। और ये पेपर जो है मैथ्स के स्टैंडर्ड मैथ के स्टूडेंट हों चाहे बेसिक मैथ के स्टूडेंट हों, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ के स्टूडेंट के लिए जो 2020 के बेसिक स्टूडेंट जो मैथ ले रखे हैं उनके लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सीबीएसई की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर जरूर करें, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं रहा है कहाँ से इंटरनल लगे कहाँ नहीं लगेगी तो आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद सर्किल के बाद आप चले जाएंगे चैप्टर, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पूरा चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम बता दिया, मोहित कुमार 08360 यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है आपका 1 नंबर में 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव वो भी पूछे जाएंगे, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल खाली आपके 4 नंबर की पूछी जाएगी आपके पेपर में। इसके बाद अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, क्लास 10th का ब्लू प्रिंट चाह रहे हों, एमपी बोर्ड के क्लास 10th का मैथ्स का ब्लू प्रिंट चाह रहे हों, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th मैथ्स का ब्लू प्रिंट चाह रहे हों, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का ब्लू प्रिंट चाह रहे हों, तो सभी स्टूडेंट जो है इस पेपर को समझ ले, पैटर्न आपके भी स्कूल कॉलेज मतलब जो बोर्ड में सेम रहने वाला ही है। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ से आपको जो है 1 नंबर में 1 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और 1 क्वेश्चन आपका 5 नंबर में मिलेगा जिसमें इंटरनल चॉइस लगी होगी। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही होते हैं। तो कितने सर्फेस एरिया वॉल्यूम, 6 नंबर में पूछी जाएगी सर्फेस एरिया वॉल्यूम आपके पेपर में, ठीक है। इसके बाद सर्फेस एरिया वॉल्यूम के बाद आप चले जाइए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इस कितने नंबर का आएगा आपके पेपर में, तो 1 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 1, 2, 3 नंबर में पूछा जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी 1 + 3 = 4 मार्क्स की आपके पेपर में प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, क्लास 10th के मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 2023 की बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बेसिक मैथ्स आपके पास चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स के हो, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जो है इसको प्रिपेयर कर ले। सीबीएसई की जो भी सीबीएसई में प्रिपेयरिंग कर रहे हैं सीबीएसई क्लास जो है बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इसके बाद स्टैटिक्स एक मेजर चैप्टर है, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे स्टैटिक्स, और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में होगा। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ हमने मेंशन किया है 5 नंबर में 1 क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के। तो 2 और 1 = 5, 2 + 5 = 7 मार्क्स में आपकी स्टैटिक्स होगी। अच्छा मेजर चैप्टर, अभी आपको लास्ट में बताएंगे किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, लास्ट में आपको वो भी बता रहे हैं। स्टैटिक्स के बाद आप, ठीक, ये चैप्टर आपके हो चुके। अब हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से सबसे ज़्यादा चैप्टर, आप एक पहले क्वांटिटी के क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए। एक आपका स्टैटिक्स हो गया, एक आपका सर्किल हो गया, ठीक, एक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये चैप्टर, ऐसे 4 चैप्टर बहुत मेजर चैप्टर हैं, इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यही 4 चैप्टर मिला करके आपके 40-45 मार्क्स के हो जा रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं क्लास साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, जीएस का, ठीक, एसएसटी का, सोशल साइंस का, तो अगर ब्लूप्रिंट चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछें, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।